हरि ओम नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी का क्रम जो था बाधित हो गया था थोड़ा सा। आइए हम लोग अपनी तैयारी फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो प्रश्न जहां से छूटा था, वहीं से प्रश्न पे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा प्रश्न है, हम लोग यहीं से देख लेते हैं। इसके साथ आगे से छूटा था, क्या हुआ था। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है भैया, तो कहते हैं कि छठा नंबर प्रश्न है कि ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद भगवद गीताया सप्तमो अध्याय। अच्छा मैडम, कदमो अध्याय, ठीक है, कदमो अध्याय लिखा है। तो इसमें इसका उत्तर बताना है आपको कि ज्ञान विज्ञान योग ये श्रीमद भगवद गीता का कौन सा अध्याय है। आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीमद भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, तो श्रीमद भगवद गीता में आप 18 अध्याय हैं, ठीक है ना। और उन 18 अध्याय में ये जो भीष्म पर्व है, ठीक है ना, भीष्म पर्व आप सभी जानते हैं कि जब आचार्य भीष्म पर्व, अब ये आचार्य थे कि पितामह थे, ये आपको बताना है। तो भीष्म पर्व, जब पितामह भीष्म जब सेनापतित्व के उसमें थे, जब ये सेनापति ये थे, तो उस समय युद्ध का जब शुरू नहीं हुआ था, दोनों सेना आमने सामने थी, पांडव की और कौरवों की। उस बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वंद में फंसे हुए थे कि करें क्या करें क्या ना करें, किं कर्तव्य विमूढ़ा की स्थिति आ गई थी। तो किं कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया और अर्जुन को सत असत से अवगत कराया कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो सब कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, बस तुम केवल एक माध्यम हो, ठीक है। तो उस समय दोनों सेनाओं में, इधर पांडवों में धृष्टद्युम्न थे सेनापति और कौरवों में आपके पितामह भीष्म थे, ठीक है। तो पितामह भीष्म थे, इसलिए भीष्म पर्व कहा गया। तो गीता जो है श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता, गीता में कितने अध्याय, तो 18 अध्याय है गीता में, 18 अध्याय, और ये भीष्म पर्व से निकली है। तो पूछ रहा है कि ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीताया कथमो अध्याय, तो ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता का कौन सा अध्याय है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर इसका डी है, ठीक है, सातवां अध्याय, ठीक, क्या है, सातवां अध्याय इसका। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि केन कविना बौद्ध धर्म से प्रचारार्थम काव्यान लिखितानि, ठीक है, माने किस कवि के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काव्य लिखा गया है, ठीक है, काव्य को लिखा गया है। तो कालिदास ने लिखा है, अथवा माघ ने लिखा है, अथवा अश्वघोष ने लिखा है, अथवा भवभूति ने लिखा है। आप सभी जानते हैं कि जो भवभूति ने तो लिखा नहीं, कालिदास ने लिखा नहीं, माघ ने लिखा नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा कि अश्वघोष, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कि अश्वघोष एक बौद्ध कवि है, ठीक है। अश्वघोष जो है ये बौद्ध कवि है, एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया बौद्ध कवि कौन है, ठीक है ना, बौद्ध कवि, तो अश्वघोष बौद्ध कवि है। इनका एक ग्रंथ है बुद्ध चरितम, क्या है, तो बुद्ध चरितम, ठीक है ना, बुद्ध चरितम इनका एक ग्रंथ है, बुद्ध चरितम, ठीक है, बुद्ध चरितम। इसमें 28 सर्ग है, 28 सर्गों का ग्रंथ है, ठीक है, टोटल 28 सर्ग है। लेकिन अभी प्राप्त कितना है, तो प्राप्त जो सर्ग है वो प्राप्त 14 सर्ग ही अभी है, ठीक है ना, 14 सर्ग ही अभी प्राप्त है। और ये साकेत के निवासी थे, ठीक, कहाँ के निवासी है, साकेत के निवासी है, ठीक है ना, साकेत माने अयोध्या, जहां से जिस तरफ से मैं हूं वहीं के ये निवासी है, ठीक है ना, साकेत के निवासी थे। और उसके बाद ये वहां से आकर के शायद काशी में या कहां पर बस गए थे। इनका जो मुख्य रस है, वो मुख्य रस इनका शांत रस है, ठीक है ना, शांत रस को इन्होंने अपनाया है, मुख्य जो इनका रस है वो शांत रस है, ठीक है ना, ये शांत रस है। और इस जो ये बुद्ध चरितम है, इस बुद्ध चरितम के नायक कौन है, तो बुद्ध चरितम, इस बुद्ध चरितम के नायक के बारे में, तो इसके नायक है भगवान बुद्ध, ठीक है ना, इसके नायक कौन है, तो भगवान बुद्ध इसके नायक है, ठीक है ना, इसके नायक कौन है, तो भगवान बुद्ध इसके नायक है। और इस प्रकार से ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके 14 अध्याय उपस्थित है। प्रथम अध्याय है भगवत प्रसूति नाम का, प्रथम पहला अध्याय है, पहले अध्याय का नाम भगवत प्रसूत है। इस प्रकार से ऐसे दूसरे तीसरे चौथे इस प्रकार का अध्याय है, ठीक है ना। अब कालिदास के बारे में आप सभी जानते हैं, कालिदास ने लिखा है, क्या लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो उर्वशीयम इस प्रकार के लिखा है, और कुमार संभव लिखा है, रघुवंशम लिखा है, ऋतु संहार लिखा है, मेघदूत लिखा है, ये सब इनकी रचना है।
माघ ने शिशुपाल वध लिखा है। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध इसमें 20 सर्ग है। शिशुपाल वध में शिशुपाल की कथा है, भगवान श्री कृष्ण नायक है और शिशुपाल प्रति नायक है। भवभूति उत्तर रामचरितम, मालती माधव और एक इनकी और रचना है उत्तर रामचरितम हो गया, मालती माधव हो गया और तीसरी रचना क्या है वो देखिए मानस से हट गया है, बता देंगे। तो इस प्रकार से ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका अश्वघोष, माने अश्वघोषेण, अश्वघोष के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम ये तीन किसकी रचना है? तो भवभूति की रचना है। मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक छोटा छोटा हल्का सा बस आपको हमने इस ग्रंथ में प्रवेश कराया है, हल्का सा प्रवेश है। ठीक है, बाकी आप लोग विधिवत अध्ययन करने के लिए हमारे जो कोर्स है उस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए और वहां से अपना कंटेंट लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर जो प्रश्न है, क्या है कि पुण्य वर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत दश कुमार चरित। ठीक है, दश कुमार चरित में ये जो पुण्य वर्मा है, ये पुण्य वर्मा किस देश के राजा है आपको बताना है। दश कुमार चरित, ठीक है, ये जो दश कुमार चरित है, ठीक है ना, दश कुमार जो चरित है, दश कुमार चरितम जो है, ये दश कुमार चरितम किसकी रचना है? तो दश कुमार चरितम आचार्य दंडी की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य दंडी की रचना है। ठीक है ना, ये आचार्य दंडी की रचना है, आचार्य दंडी की ये रचना है। ठीक है, अब दश कुमार चरितम तीन भाग में बटा है। ठीक है, तीन भाग में बटा है, प्रथम पीठिका और उत्तर पीठिका और मध्य में दश कुमार चरित मान है। ठीक है, इस प्रकार से तो दश कुमार चरितम। ठीक है, तो अब इस दश कुमार चरितम में क्या है, अष्टम ये जो आठ उच्छ्वास है, किसमें? दश कुमार चरित में आठ उच्छ्वास है। ठीक है ना, और आठ उच्छ्वास में दश कुमार चरित, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दस राजकुमारों का वर्णन है। ठीक है, विंध्यार्थवी में जाते हैं वो लोग और अपना घूमते टहलते हैं, वर्णन करते हैं। तो ये पुण्य वर्मा है, ये पुण्य वर्मा किस देश के राजा है? तो उसका सही उत्तर होगा कि विदर्भ देश के राजा है पुण्य वर्मा। ठीक है, पुण्य वर्मा विदर्भ देश के राजा है। ठीक है, हमने 8 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने चर्चा किया, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है ये आपको देखना है, क्या है कि अखंडेशु कारणेशु फलवचः कस्य अलंकारस्य लक्षणम्, ये किस अलंकार का लक्षण है आपको बताना है। सीताराम, सीताराम आपको बताना है कि अखंडेशु कारणेशु फलवचः, ये जो लक्षण दिया है ये किस अलंकार का है। ठीक है, किस अलंकार का? तो भैया विशेषोक्ति है, विभावना है, समासोक्ति है अथवा वक्रोक्ति है। आपको इसका सही सही उत्तर बताना है। ठीक है, कि वक्रोक्ति क्या है? तो वक्रोक्ति माने वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति। ठीक है, वो ध्वनि विकार से काकू और इसके ऊपर दो प्रकार के हो जाते हैं, समास उक्ति है, विभावना है, विशेषोक्ति। तो अखंडेशु कारणेशु अखंडेशु कारणेशु फलवचः विशेषोक्ति अथवा विभावना अथवा समासोक्ति अथवा वक्रोक्ति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा समासोक्ति, माने समासोक्ति। ठीक है ना, सही उत्तर होगा। ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो, कमेंट में तुरंत उत्तर दिया करो कि क्या है इसका, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना भैया, तो मैं तो कभी कभी हास परिहास भी करता रहता हूँ कि आप लोग व्यथित ना हो। ठीक है, इधर देखिए, आप लोग कहाँ देख रहे हैं महाराज, इधर देखिए, पढ़ा रहे इतने बढ़िया से, इसको आप लोग चाप के पढ़िए, धनाधन प्रश्न आ रहा है, घना भर उत्तर देते जाइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशेषोक्ति। ठीक है, विशेषोक्ति माने अखंडेशु कारणेशु फलवचः, इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न अभी ये जो विभावना अलंकार है ना, ये और ये सब अलंकार को बढ़िया से पढ़ते रहिए। अभी ये जो इसमें कहता क्या है, ये जो विशेषोक्ति अलंकार है, इस विशेषोक्ति अलंकार में कहता है कि अखंडेशु कारणेशु फलवचः। ठीक है, माने इसमें जो फल है और माने कार्य और कारण, देखिए ठीक है ना, कार्य और कारण। ठीक है, कार्य और कारण, और इधर कारण
इधर लिखिए कार्य, तो हम लोग कहाँ चर्चा कर रहे थे, चर्चा हम लोग कर रहे थे कार्य और कारण पे, ठीक है ना, क्रिया अखंडेशु कारणेशु फलवचा, इसका सही उत्तर होगा विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जो कार्य होता है और कारण होता है, ठीक है ना, तो इसमें हेतु रहता है फिर भी कार्य नहीं होता है, माने कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। कारण अस्ति तथापि कार्यम न भवति, कार्य नहीं हो रहा है। किसमें, अखंडेशु कारणेशु फलवचः, इस विशेषोक्ति अलंकार में होता क्या है, जो विशेषोक्ति अलंकार है उस विशेषोक्ति अलंकार में कारण तो रहता है एक कार्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अग्नि तो जल रही है किंतु उससे हमको उष्मा नहीं प्राप्त हो रही है, माने कारण तो है लेकिन जो उसका कार्य है कि गर्मी देना गर्माहट देना, वो गर्माहट नहीं मिल रही है। कारण है कि भैया आप किसी ऐसे उसमें खड़े हैं, वातावरण में खड़े हैं जहां से आपको भाग जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एकदम निर्भय शिथिल होकर के वहां खड़े हैं, तो कारण है कार्य नहीं हो रहा है। खेत को जोते, खेत में बीज का आपने वपन किया, फिर भी फसल नहीं उत्पन्न हुई, तो कारण तो आपने किया कि क्योंकि फसल के उत्पन्न होने कारण बीज है, तो बीजों का आपने वपन किया क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी फल नहीं आया, तो वो हुआ आपका विशेषोक्ति अलंकार। माने कारण तो रहे, अखंडेशु कारणेशु फलवचा, कारण के रहने पर भी, सामान्य भाषा में समझिए कि भैया कारण के रहने पर भी फल ना उत्पन्न हो, कार्य ना हो। माने पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ ये सामान लेकर आओ, और रुपया तुमसे गिर गया, सामान भी नहीं आया, और तुम आकर के पिताजी को बताए कि पिताजी हमसे ऐसा ऐसा हो गया, रुपया गिर गया, लेकिन तुमको लगा कि जाएंगे घर वापे तो लात भूसा खूब बाबूजी देंगे, लेकिन जब तुम घर आए बताए तो पिताजी एकदम शांत भाव से खड़े हो, कोई मतलब नहीं, अच्छा ठीक है, कुछ न हाँ कहे ना कुछ नहीं कहे। तुम्हारे कारण तो था कि पैसा गिर गया, बाबूजी को क्रोध में आना चाहिए, लेकिन बाबूजी क्रोध में नहीं आए, तो कारण था लेकिन कार्य नहीं हुआ। कार्य होता क्या, तो गाल लाल हो जाता, ठीक है, तो गाल लाल नहीं हुआ, माने कारण था लेकिन फिर भी कार्य नहीं हुआ। सामान्य भाषा यह है कि कारण के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति ना हो, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है दस नंबर, दस नंबर प्रश्न है कि क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति, माने क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति, माने क्रिया का निषेध हो, माने क्रिया का निषेध हो, क्रिया माने क्रिया या हेतु, ठीक है, क्रिया या हेतु इसका निषेध हो, ठीक है ना, इसका निषेध हो और फल मिल जाए, फल प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, फल प्राप्त हो, माने क्रिया ना हो, कुछ क्रिया नहीं हो रही हो और फल की प्राप्ति हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यही यही होता है क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति विभावना। कहाँ है भैया विभावना अलंकार, ये देखिए तीन तीन नंबर जो इसका आंसर है, यही आंसर इसका सही होगा, ठीक है, तीन नंबर इसका आंसर सही होगा। जैसे माने क्रिया अथवा हेतु नहीं है फिर भी फल प्राप्त हो रहा है, माने कोई क्रिया नहीं हो रही फिर भी फल मिल रहा है, जैसे गाय नहीं फिर भी दूध आ रहा है, तो इसको एक बात कह सकते हैं। अथवा किसी वृक्ष में पुष्प नहीं आए और उसमें फल अपने आप आ गया, तो ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। अथवा किसी क्षेत्र में हमने बीज का वपन नहीं किया और वृक्ष बड़ा सा वृक्ष अपने आप हो गया, तो ऐसा, लेकिन ये सब सामान्य भाषा आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, साहित्य में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब नहीं आएगा, आपको दूसरा आएगा। जैसे क्रिया अथवा हेतु नहीं है फिर भी फल प्राप्त हो रही है, इसमें कह देंगे कि भैया चांदनी रात नहीं है और बढ़िया वसंत का ऋतु नहीं है फिर भी कामदेव जोर मार रहे हैं, ठीक है, माने हेतु कुछ नहीं है फिर भी वो विकार या वो कार्य उत्पन्न हो रहा है, माने नायक और नायिका एक जगह कहीं पर है और जो उद्दीपन है, उद्दीप्त जो भाव को उद्दीप्त करता है, ना चांदनी रात है, ना चंद्रमा है, ना बसंत है, ना फूल है, ना उपवन है, ना हल्का हल्का समीर त्रिविध समीर शीतल मंद सुगंधित समीर बहरी, ये सब कुछ नहीं हो रहा है फिर भी जो नायक है वो नायिका के प्रति उसमें भाव रतिकर्म जागृत हो रहे हैं, तो ये इसका इस प्रकार से कि माने क्रिया अथवा हेतु नहीं है
फिर भी कार्य उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका दसवें नंबर का सही आंसर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा, ठीक है ना। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाँ तो अगला प्रश्न यह है कि क्या है, यही है जो अभी हमने देखा है कि गीता में, ठीक है ना, गीता गीता में कितने अध्याय है, तो देखिए लिखा होगा गीता में कितने अध्याय है, 18 अध्याय यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता उद्धृत है कहां से, तो श्रीमद् भगवद गीता उद्धृत है महाभारत के भीष्म पर्व से। अभी मैंने बताया कि भीष्म पर्व से उद्धृत है। गीता में कुल अध्याय कितने हैं, तो 18 अध्याय हैं, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो अब उन्हीं 18 अध्याय कौन कौन से हैं उसकी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले अध्याय का क्या नाम है, तो अर्जुन विषाद योग। द्वितीय अध्याय का क्या नाम है, सांख्य योग, याद कर लीजिए एग्जाम में पूछ सकता है। तीसरे अध्याय का क्या नाम है, कर्म योग। चौथे अध्याय का क्या नाम है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवें अध्याय का क्या नाम है, तो कर्म संन्यास योग। छठे अध्याय का क्या नाम है, तो आत्म संयम योग। सातवें अध्याय का क्या नाम है, तो ज्ञान विज्ञान योग। प्रश्न पूछा था कि श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता कस्मिन् अध्यायः, माने कौन सा अध्याय, तो यही इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है, सप्तम अध्याय। आठवां अध्याय क्या है, तो अक्षर ब्रह्म योग, ठीक है, अक्षर ब्रह्म योग इसका आठवां अध्याय। अब लोग अगले अध्याय पे चलते हैं, नौवां अध्याय, तो राज विद्या राज अनुग्रह, राजगुह योग है, राज विद्या राजगुह योग, ये नौवां अध्याय। दसवां अध्याय विभूति योग है। ग्यारहवां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है, ठीक है, भगवान ने इसमें विश्व रूप को दर्शन कराया था। द्वादश अध्याय भक्ति योग है। तेरह अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग है। चौदहवां अध्याय जो 14 नंबर वो है गुणत्रय विभाग योग, और पंचदश अध्याय है पुरुषोत्तम योग। षोडश अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग, और सातवां सत्रहवां अध्याय है श्राद्ध, 17 नंबर का जो अध्याय है सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, और अष्टदश माने 18 मोक्ष संन्यास योग अंतिम अध्याय है। इस प्रकार से ये 18 अध्याय है, इन 18 अध्याय का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार मस्तिष्क में रख लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 18 अध्याय है, ये हो गया, और उसके बाद इसका ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आप ले लीजिए, ये भी है, ठीक है। ये यहाँ तक टोटल 18 अध्याय है यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक आपका टोटल 18 अध्याय है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समाप्त हो गया, तो यहीं पर हम लोग का समाप्त होता है, ठीक है ना। तो इतना तक हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा किया, कुछ प्रश्नों की हम लोगों ने तैयारी की, कुछ प्रश्नों को देखा किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार से आगे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, और धीरे धीरे जिस प्रकार से कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्णते घटा सह हेतु सर्वविद्यानां धर्म, ठीक है, उसी प्रकार से धन और विद्या का भी अर्जन करना चाहिए। जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक एक विद्या एक एक कर करके हमको विद्या और ज्ञान का भी संचय करना चाहिए, संचयन करना चाहिए, उसको एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब उसको हम एकत्रित करते रहेंगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम नमो नमः।